बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र जो कह सकते हैं CCS यूनिवर्सिटी से हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी से हैं, तो मेरठ यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए लेके आए हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री का पेपर है। पेपर का नाम हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स केमिस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ के जाएंगे 2022 के एग्जाम के लिए, जो आपका 16 अप्रैल को जो पेपर होने वाला है, जो छात्र का 16 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा। आपको बताया आपका पेपर फर्स्ट मीटिंग में होगा, मतलब कि 7 बजे से 10 बजे तक आपका पेपर होने वाला है। तो जितने भी छात्र BSc फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो सभी पेपर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अभी तक आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेपर हैकर यूट्यूब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए, बात करने वाले हैं हम लोग वो पेपर बताएंगे जो आपके पेपर में छप रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बस इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। कोई भी इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लेना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आपको कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ज्यादा से ज्यादा पहला क्वेश्चन हम लोग याद करेंगे। आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर जो भी है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक नोट्स गैस पेपर नहीं है तो आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है BSc फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स और MCQ डाउनलोड लिंक, इस तरीके से लिंक है, उस पर जाकर टच करेंगे। या वहां टच नहीं करना चाहते तो आप सिंपल तरीके से हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं paperhacker.in पर। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे जाएंगे। तो जस्ट मान लीजिए हम क्रोम पे आ जाते हैं और क्रोम पे यहां सर्च करते हैं पेपर हैकर। ठीक है, paperhacker.in सर्च करेंगे, paperhacker paperhacker, ठीक है, .in सर्च करेंगे, .in सर्च करेंगे, paperhacker.in को जैसे सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से एक साइट खुलेगी। आप देख सकते हैं ये हमारी ऑफिशियल साइट है पेपर हैकर की। आप यहाँ नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद भी ये हमारे जितने भी चैनल हैं आपको ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस चैनल पे आप टच करेंगे वो चैनल आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे जाएंगे, ये हमारे पेपर हैकर ऑफिशियल चैनल है और यहाँ देखो सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं 9th से लेकर 10th, ठीक है, फर्स्ट ईयर 12th वगैरह। यहाँ हमारे चैनल के लिंक मिल जाएंगे। यहाँ यूपी की आल यूनिवर्सिटी, यूके के, एमपी के, बिहार के जितनी भी यूनिवर्सिटी उनके अपडेट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लिटिल्स जॉब जो भी आ रही है, आर्मी की जॉब है, लिटिल्स जॉब है, जो आप देखना चाहते हैं वो यहां देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां आपको बात करें, यहां देखिए बात करने वाले हम लोग। अब आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यहां बीएससी फर्स्ट वाले पे जाइए। इस पर जैसे ही टच करेंगे आप तो यहां देखिए नीचे हम जाएंगे, थोड़े से नीचे जाएंगे तो यहां देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का आपको यहां नोट्स मिल जाएगा। उसके बाद में ये लिंक पर टच करेंगे, यहां नोट्स मिल जाएगा। इसी प्रकार जियोलॉजी का नोट्स मिल जाएगा, इसी प्रकार केमिस्ट्री का नोट्स मिल जाएगा, इसी प्रकार फिजिक्स का नोट्स मिल जाएगा आपको और इसी प्रकार मैथ का भी नोट्स मिल जाएगा। लिंक आपके सामने, इन लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं यहां से जाकर। तो अब हम चलते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी ओर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताते हैं। अब बस उतना ही तैयार करना है जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं इफेक्टेड और उनके सिद्धांत के बारे में आप याद करेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पहला तो ये टिक लगाएंगे। ये आपको टिक लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। एक आप करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक ऑक्सीजन के बारे में और N2O के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके चारों के बारे में बॉन्ड ऑर्डर जो आपको निकालने के लिए आता है अरबिक कक्षीय सिद्धांत के द्वारा, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, और आप ये देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, उसके अंतर के बारे में आप देख के जाएंगे। पाई और सिग्मा बॉन्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वल्डर वाल्स समीकरण, वल्डर वाल्स बल क्या होता है, ये इस क्वेश्चन को आप याद करके जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में बन चुका है, आप इसको याद करके जाएंगे। वही बात करें देखो VSEPR थ्योरी, जिसे हम सयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रत्याकर्षण सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट भी हो चुका है, इसको आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, कोई ध्यान से पढ़ के जाएंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन। उसके बाद में नीचे जाएंगे और आप ये देखेंगे कि आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। और आपसे पूछता है कि आवर्त सारणी के नियम कौन कौन से होते हैं, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में याद करेंगे और विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे और इसको आप देख सकते हैं, इसमें आप याद करेंगे sp3 sp2 और sp1 हाइब्रिड, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है मतलब संकरण होते हैं, उनके बारे में याद करके जाएंगे। ठीक है, और नीचे जाएंगे हम लोग बेंजीन बनाने की विधि को याद करें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो प्रकाशीय सम्यकता को और ज्यामितीय सम्यकता को और त्रिविमीय सम्यकता को आप याद करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको नीचे जाना है और लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल आपसे पूछ लेता है, आप इनको पढ़ के जरूर जाना है, कोई ज्यादा नहीं है, आप इनको क्वेश्चनों को 16 तारीख को पेपर है, आपको बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। वहीं बात करें फजान के नियम को आप पढ़ के जाएंगे, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको ये देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है,
कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की विशेषताएं, उपयोग और उनके भाग कितने होते हैं, ठीक है, ये आप याद करेंगे, ठीक है बेटा, और उनके चरण को याद कर लेना, कितने चरण होते हैं, ठीक है। और जालक ऊर्जा, लिटिल्स जो एनर्जी होती है, इसको आप पढ़ेंगे, और वाउ के सिद्धांत को पढ़ के जाएंगे, और एसपीडी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन को आप देख के जाएंगे, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। चलो नीचे आप टिक लगा लीजिए अपने बुक नोट्स पर, वरना हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। देखो मेसोमेरिक इफेक्ट को आप पढ़ के जाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, इन दोनों इफेक्टों को पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं बात करें बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी को पढ़ के जाना है, ठीक है। और आयनिक विभव जो अनिन ऊर्जा से कहते हैं, अनिन विभव को अनिन ऊर्जा भी बोला जाता है, इसको आप पढ़ के जाना है। और ये हाइब्रिड, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जिसे बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, अतिसंयुग्मन किसे बोलते हैं, इसको आप याद करके जाएंगे। और नीचे हम जाएंगे, देखिए कह सकते हैं फ्लाइंग बैज का सूत्र क्या होता है, या और कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, कार्बोकेटाइन, देखो कार्बोकेटाइन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो कार्बोकेटाइन को आप पढ़ के जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन स्नायी अभिकर्मक और नाभिक स्नायी अभिकर्मक, दोनों में आपसे अंतर पूछ लेता है, आप ये पढ़ेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन बस ये है, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, जिसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन का कुर्सी और चेयर और बूट का जो समरूपण पूछता है, ये क्वेश्चन, ये थे आप, इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमारी वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स, ठीक है। और चैनल को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।